नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो भैया दीदी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, चल रही हूँ मैं मम्मी के घर। यहाँ पर गुंजन, शीतल, अंजलि, चंदन सब घर पे रहेंगे और मैं 2 घंटे में वापस हो जाऊंगी वहां से। तो चलती हूँ, आप सबको वहां भी मिलवाऊंगी और फिर आप सबसे वहीं पे मिलेंगे। दोस्तों, रास्ते का वीडियो हो सकेगा तो शूट करेंगे, नहीं तो सीधे मम्मी के घर पे ही मिलेंगे आप सबको। तो नमस्ते कर लो गुंजन। नमस्ते। सभी दीदी भैया को राम राम। तो दोस्तों, यहाँ तेज धूप भी कभी होता है, बारिश भी बहुत तेजी से होता है, तो बच्चों को और ले नहीं जाएंगे और वापस ही आना है, हमें वहाँ रुकना नहीं है बिल्कुल। तो बस 1-2 घंटा बच्चे घर पे रहेंगे, सभी बच्चे आज घर पे ही रहेंगे। और अंजलि तो कहीं चली गई है घूमने पड़ोस में, वो अभी है नहीं। तो हम सब चलते हैं और गुंजन यहीं पे रहना, खाना खाना और यहीं पे पढ़ना। और आज गुंजन, शीतल स्कूल भी नहीं गई है दोस्तों, वैसे इमरजेंसी काम पड़ गया है तो वहां जाना पड़ेगा। तो यही मैं 2 बार बोली, तो हम सब चलते हैं दोस्तों। तो हम सब मम्मी के घर आ चुके हैं और दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मम्मी का तबीयत बहुत खराब है। मैं सुबह आप सबको वहां नहीं बताई और वहां जब वीडियो शुरू की थी, और देखिए मम्मी का तबीयत इस समय बहुत खराब चल रहा है। मैं भी आज 4-5 दिन से जब से फोन करके बात करती हूँ, जब से सुनी हूँ, मैं भी परेशान थी। लेकिन बीच में इतना बारिश कि बारिश निकल ही नहीं रहा था, तो हम आ ही नहीं पाए। बच्चों को नमस्ते, जितने बच्चे सुनत हुए देखत हुए सबको नमस्ते। संजय भैया के नमस्ते, उनके बाल बच्चे के नमस्ते। जहाँ रहो भैया तहाँ खुश रहो, बाल बच्चे आनंद से रहो और हम कुछ ना कर सके। तो भैया को तो आप सबको नाना आशीर्वाद दे रहे हैं और हमारे संजय भैया को भी आशीर्वाद दे रहे हैं। नाना मम्मी यहाँ है तो नमस्ते कर लो मम्मी। बहनी भैया देखने वालों का सबको नमस्ते भैया। संजय भैया, संजय भैया खुश रहो, नमस्ते। तुम नमस्ते, घर परिवार के तुम्हारे सब बच्चे बच्चे का सबका नमस्कार भैया। बोली ना नहीं करो तो तबीयत बहुत खराब है भैया। देखने वाले भैया सबका गोर पंच हाथ जोड़ के बताए थे, तबीयत बहुत खराब है। तो तबीयत अम्मा का बहुत खराब है दोस्तों, और मैं आप सबसे क्या बताऊं, और मतलब हम भी बहुत इस बात से बहुत परेशान है। पता नहीं क्यों, मतलब उस बीच में ज्यादा तबीयत खराब, उधर भैया का पैर टूटा था, इस बीच में मम्मी का ज्यादा तबीयत खराब है और यही सब बात है। और मम्मी खाना भी बनाने में असमर्थ है, बना नहीं पाती है। नाना खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, घर की सब देखभाल नाना करते हैं। गाय जो था नाना बेच दिए हैं, क्योंकि मम्मी का तबीयत ठीक ही नहीं रहता है तो गाय कौन खिलाएगा। तो और नाना लकड़ी पे खाना बना रहे थे, दिखा दो चंदन, यहाँ लकड़ी पे नाना खाना बना रहे थे। तो हम तो गैस जो चूल्हा था खराब हो चुका था और इस बीच में दवा में सारा पैसा खर्च भी हो गया, तो नाना को बहुत काफी परेशानी होता था। तो मैं गैस भरा दी हूँ दोस्तों, अब लकड़ी पे नहीं बनाएंगे नाना। और ये हमने गैस चूल्हा रास्ते में ले ली हूँ, तो ये बहुत भीड़ वैसे उसमें सब फट गया, ये देखिए। तो हमने ये वाला गैस नाना को मम्मी के लिए लाके दी हूँ। और क्या करूँ दोस्तों, मैं हमारे पास 4 बच्चे हैं तो उनको भी देखभाल करना। अगर यहाँ मैं हफ्ते का महीने के लिए आती हूँ तो कितना सामान, कपड़ा और उन सबको लाऊं, यहाँ पर रहूं। तो हमारा ये यूट्यूब चैनल ही आप सब समझ सकते हैं, एक कमाई का जरिया है, जो हमारे घर का खर्चा चलता है वो भी मैं नहीं कर पाऊंगी। और मम्मी का बात रहा देखभाल, तो इनका भी सही से नहीं देखभाल कर पाऊंगी। बच्चों का पढ़ाई चल रहा है, चंदन का दवा चल रहा है, तो यही सब बात है। और बाकी मैं अब सबसे क्या कहूँ, यहाँ आप कई हमारी बहन भाई बोलेंगे कि मम्मी की घर पर संगीता रहना चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ, हमारा मजबूरी आप सब समझ सकते हैं। तो मैं गैस दे दी हूँ, नाना किसी न किसी तरह खाना बनाएंगे। मम्मी बिल्कुल चल भी नहीं पाती हैं, थोड़ा बहुत कमजोरी हो गया है। तो नजदीक से दिखा दो चंदन, हमारे घर पे गई थी तो थोड़ा इनका
तबीयत ठीक था, लेकिन इस बीच में बहुत इनका तबीयत खराब हो गया है। तो आप देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं, कोई बहाना नहीं है दोस्तों। और कई लोग ये भी बोलेंगे कि वीडियो बनाने का कोई जरूरत है ऐसे में, तो है बना देते हैं क्योंकि कल हमारा वीडियो नहीं। तो दोस्तों आज आप जो देख रहे हैं वीडियो, हम क्या दिखाते हैं आप सबको, और आप समझ सकते हैं एक हमारा एक जैसे आप समझ लीजिए बिजनेस ही है। तो हम एक दिन नहीं काम करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, वही हाल यूट्यूब पर भी है। तो यही सब है, अब ज्यादा क्या कहेंगे, अगर कोई बोलने में गलती होगा तो माफ करना, रख देते हैं। तो इन सबको बनाने में थोड़ा अब आसान रहेगा। वहाँ गैस मैं भरा दी हूँ, और कुछ सामान जो हमें लाना था देना था, मैं सामान भी जरूरत का दे दी हूँ। अब हम चले जाएंगे फिर घर पे, और बीच बीच में इनका हाल जैसा रहेगा फोन से बात करते रहेंगे। अगर बीच में कोई देखेंगे फिर आना पड़ेगा। तो मम्मी के बीमार होने के नाते दोस्तों गैया जो दूध दे रही थी मम्मी उसको बेचवा दी है, और ये भैंस बची है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये गोबर जो सब निकला ये फेंक भी नहीं पाते नाना, क्या करें अकेले कैसे लेकर जाएंगे। तो यही भैंस बची है, अब नाना देखभाल करेंगे किसी तरह, इस भैंस को खिलाएंगे। गैया नहीं खिला पा रहे थे तो इसीलिए बेच दिए हैं। और यहाँ नाना फूल भी लगाए हैं। भैया बैठे हैं, भैया को शर्म लग रहा था, वो बोलते हैं दीदी मत दिखाओ हमें, वीडियो मत बनाओ हमारा। तो यहाँ देखिए नाना किस तरह ये काम करते हैं। और चलती हूँ मैं बर्तन को धुल देती हूँ, जब तक हूँ ये काम कर देती हूँ नाना का, बर्तन मार देती हूँ। ये छोटा सा बाबू आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ मैं बर्तन धुल देती हूँ, और बर्तन धुलने के बाद मैं चली जाऊंगी घर पे। तो यहाँ बर्तन को साफ कर लेते हैं, और मम्मी वहाँ पर बैठी हुई है। तो ये सब काम नाना को करना पड़ता है, क्या करें बहुत परेशानी है। तो हम बर्तन को माँज लेते हैं इस तरह। अभी घर की लिपाई करेंगे ना, बोलो भैया यहाँ बाहर क्यों भैया अम्मा। तो अभी घर की लिपाई कर देते हैं, फिर मुहारे को बहारती हूँ। तो बर्तन को तो धुल दी हूँ, यहाँ बर्तन को धुल चुकी हूँ। यहाँ गैस को सेट कर दिए हैं। तो यहाँ मैं चूल्हे का राख निकाल देती हूँ, और चलती हूँ घर की लिपाई करती हूँ। मैं राख को भर ली हूँ। तो यहाँ झाड़ू लगा देते हैं, और ये भर देते हैं जो कूड़ा है। तो यहाँ बच्चे गोली खेल रहे हैं सभी लोग। तो ये लकड़ी इधर साइड रख देते हैं, ये सूखने के लिए यहाँ पर रख देते हैं जब धूप आता है। तो यहाँ मैं कूड़े को भर देती हूँ कचरे में। ऐसा बुआला कर तो वही बुआला कर बनाए। तो कूड़े को मैं भर चुकी हूँ। आज यहाँ मम्मी के घर का ब्लॉग वीडियो बन जा रहा है, क्या करें। तो झाड़ू इधर साइड रख दी हूँ। तो यही चिकनी मिट्टी है मम्मी रखी है, तो जब घर की लिपाई करती हैं तो इसी से चिकनी मिट्टी से करती हैं ना। ये चिकनी मिट्टी है, और मैं इसको फोड़ रही हूँ। तो यही है चिकनी मिट्टी, ये देखिए हमारे वहाँ नहीं मिल रहा इस समय। तो यहाँ मैं मिट्टी को फोड़ के तभी ये डालना बड़ा अच्छा। तो यहाँ थोड़ा आवाज आता होगा आसपास का,
क्योंकि यहाँ गाड़ी भी चलता रहता है, रोड पे है नाना का घर और आसपास के लोग भी, उनको भी नहीं, उनको क्या पता वीडियो कैसे बनता है, क्या आवाज आएगा क्या नहीं। तो बच्चे हैं कुछ शोर मचा रहे हैं और यहाँ मैं मिट्टी को भरती हूँ तो थोड़ी देर के लिए ये गलेगा तो इसको धुल देती हूँ क्योंकि इससे मसाला पीसा जाता है, उसी से मिट्टी में छोड़ दी। तो मैं मिट्टी को भिगो दी हूँ, अब लिपाई कर लेती हूँ। तो दीवार की लिपाई इसी तरह किया जाता है, मिट्टी से लिपाई करती हूँ दीवार में। तो लिपाई कर लेती हूँ फिर आप सबकी देखती हूँ। तो लिपाई मैं कर चुकी हूँ तो अब मैं हाथ को धुल लेती हूँ, अब चल रही हूँ अपने घर पे। तो क्योंकि सभी बच्चों को छोड़ के आए हैं, हमें यहाँ आए 3 घंटा हो गया। तो दोस्तों हम सब घर पे आ चुके हैं और आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्ते, नमस्ते। सभी दीदी भैया को राम राम।